इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीबीएसई 12वीं के छात्रों का इंतजार अब खत्म होने ही वाला है। आज दोपहर 2 बजे सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा। छात्र अपना रिजल्ट cbseresults.nic.in पर देख सकते हैं। बता दें कि इस साल मई के महीने में 12वीं के पेपर होने थे, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार की तरफ से एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए। बोर्ड ने रिजल्ट बनाने के लिए वैकल्पिक मूल्यांकन योजना को अपनाया था। सीबीएसई रोल नंबर फाउंडर का उपयोग करके छात्र अपने रोल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इस साल परीक्षा नहीं होने के कारण छात्रों को एडमिट कार्ड नहीं जारी किए गए थे, जिस वजह से छात्रों को अपना रोल नंबर नहीं पता है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीएसई के छात्रों का इंतजार अब खत्म होने ही वाला है। जी हाँ, आज दोपहर 2 बजे सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा। और बता दें कि छात्र अपना रिजल्ट cbseresults.nic.in पर देख सकते हैं। वैसे पता ही है सबको कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से क्लासें नहीं हो पाई और एग्ज़ाम भी कराना मुश्किल था सीबीएसई के लिए। तो इस बार उन्होंने ये किया कि 10th और 12th का क्या उन्होंने स्कूल को जिम्मा दे दिया कि आप अपने बनाए, उनका वो क्राइटेरिया दिया था उन्होंने। क्राइटेरिया ये था 12th का कि हम 30% जो हमारा जो मार्क्स होगा बच्चों का, उनके जो क्लास 10 के बोर्ड रिजल्ट थे उसके आधार पे होंगे, 30% क्लास 11 के जो थ्योरी मार्क्स है उसमें होंगे, और बाकी जो 40% है वो क्लास 12 के, वो क्लास 12 का कोई हाफ ईयर भी होगा, बोर्ड होगा या प्री बोर्ड होगा, वो स्कूल के ऊपर था। और प्रैक्टिकल तो हो गए थे, इसके आधार पर सब मिला के 100% उसके आधार पर हमने बना के भेज दिया। डेट था 25 तारीख तक था, तो चला गया, सारे स्कूल में भेज दिया होगा। और इसी फिर सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट भी कहा था कि हम 31 तारीख को दे देंगे, तो खैर एक दिन पहले ही आ गया, आने वाला है, आया तो नहीं अभी, सुना है कि आज ही आ सकता है 2 बजे तक। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि बिना पढ़े पास होना सबकी उसमें नहीं है, उसमें अलग एक्साइटमेंट रहती कि पढ़ के किया है तो पता ही है आना है, पास होना है। अब इसमें देखते हैं क्या होता है, कैसे पास होते हैं, अच्छा होता है बुरा होता है। पहले तो बच्चे मेहनत इतनी ज़्यादा करते थे, पेपर दिए तो एक्साइटमेंट ज़्यादा ही था बच्चों को आने में, अब तो शायद ही थोड़ा एक्साइटमेंट तो होगा बट उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए, क्योंकि मेहनत की बात अलग ही होती है। अब तो अब हो सकता है कुछ, अब ये है ना घोड़े और गधे सब एक से हो गए, जो बहुत ज़्यादा टॉपर बच्चे थे उनका और जो ब्लो बच्चे हैं उनके लिए सबका एक सही है, तो एक्साइटमेंट तो होगा बट उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं आ रहा ना बच्चों में जितना होना चाहिए। एक्साइटमेंट भी है और साथ में नर्वसनेस भी है, क्योंकि ये साल बहुत टफ रहा है, क्योंकि हमारे 2 साल ऑलमोस्ट वेस्ट हुए हैं इस वजह से। नहीं, पहले का ज़्यादा अच्छा था बिकॉज वो हमारे मेहनत के होते थे, और इस बार तो ऐसी है सब कुछ। एक्साइटमेंट लेवल उतना नहीं था क्योंकि पेंडेमिक की वजह से लोग सफ़र ही कर रहे थे, और इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी क्योंकि समवेयर हमें पता ही था कि जो है पॉजिटिव ही आएगा रिज़ल्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि एक्साइटमेंट तो नहीं थी उतनी। तो और बच्चे जो है ऑनलाइन में इतना सीख नहीं पाते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा नॉलेज जो है बच्चे जो सीख सकते थे क्लासेस में वो नहीं सीख पाए, और कहीं ना कहीं स्टडीज़ का थोड़ा नुकसान तो हुआ ही है ऑब्वियसली।